वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सम सॉल्स। तो आज हमारा 7 डे डिजिटल प्रोडक्ट चैलेंज है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे 4 फ्रेंड्स हैं, राजेश है, दीपक है, ज्योति है, प्रकाश है। तो ये लोग सब फ्रेशर हैं, मान के चले कि इसमें फ्रेशर हैं और इन लोगों ने 7 डे चैलेंज एक्सेप्ट किया है और 7 दिन में विदाउट प्रोडक्ट। अभी इन्हें इनको डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है और 7 दिन के अंदर में ये लोग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करेंगे और आपको ये पूरा जर्नी इस चैनल पे दिखाया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग सब हमारे जो कंटेस्टेंट हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। आई एम राकेश कुमार, कम फ्रॉम पटना। मैं अपना ग्रेजुएशन करने के बाद अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्म चला रहा हूँ। माय नेम इज़ दीपक कुमार फ्रॉम पटना। मैं जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम अर्निंग भी करना चाहता था। हेलो, मेरा नाम सूरज प्रकाश है और पिछले 12 सालों से मैं अपना फैमिली बिजनेस चला रहा हूँ। कुछ डिजिटल मार्केटिंग में कुछ अलग करने की चाह में मैं यूट्यूब पे काफ़ी कुछ सर्च कर रहा था, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। फिर मुझे सर के बारे में पता चला कि यहाँ एक इस तरह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि 7 दिनों के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे खोजना है, कैसे उसका ऐड चलाना है और कैसे उसको सेल तक फाइनल साइकिल पूरा करना है, ये सीखने को मिलेगा। हेलो, माय नेम इज़ ज्योति, आई लिव इन पटना। सो आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2022। आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन आई डिड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आल्सो आई हैव एक्सपीरियंस इन ई कॉमर्स, आई डिड वर्क इन ई कॉमर्स कंपनी। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पेज पे काम करती थी। उसके बाद मुझे सेमसोल में पता चला कि यहाँ पे 7 डेज का चैलेंज दिया जा रहा है, लाइक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने का। सो मैं जानना चाहती थी कि कैसे स्टार्टिंग टू इन तक कैसे हम लोग लाइक डिजिटल प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं और कैसे सेल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके बारे में जाना। राजेश जी ऑलरेडी अपना एक बिजनेस चला रहे हैं और उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए और पूरा साइकिल समझने के लिए उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। दीपक ऑलरेडी एक जगह जॉब कर रहा है और उसके एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, पार्ट टाइम इनकम, ऑफिस के अलावा कुछ अलग से इनकम और नॉलेज भी, इसलिए उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। प्रकाश को ऑलरेडी एक फिज़िकल बिजनेस में है, फिज़िकल डिलीवरी कर रहा है पर वहाँ पे उसे स्केल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर बिजनेस को अच्छे से समझ के फिर वो अपना जो भी नॉलेज है वो अपने ऑफलाइन बिजनेस में लगाएगा। और ज्योति ऑलरेडी ई कॉमर्स शॉप में काम कर रही है तो वो चाह रही है कि और इस पूरे डेप्थ में समझे पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप इस पूरे सीरीज़ को फॉलो करोगे तो आप भी कनेक्ट कर पाओगे, आप भी बहुत कुछ सीखोगे। इस 7 डेज के वर्कशॉप में या चैलेंज में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। आज का हमारा पहला दिन है और पहला दिन इंट्रो है जो हम लोग एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं। उसके अलावा डे 2 में हम लोग क्या जानेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं एकदम फ्रेशर हैं, इन्हें डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आइडिया है। और हम लोग डीप में जाने वाले हैं कि प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया जाता है, क्या विज़न होता है। और इस 7 दिनों में ये चारों कोई खुद का अपना प्रोडक्ट अलग अलग सेलेक्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट को एक्वायर कैसे किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। उसके बाद हम लोग उस पर लैंडिंग पेज बनाएंगे, लैंडिंग पेज बनाने के बाद हम लोग एड्स कैसे क्रिएट करेंगे, इमेजेस होगा, वीडियोस होगा, जो भी होगा रिस्पेक्टिव टू जो भी ये प्रोडक्ट चूज़ करेंगे वो सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट किया जाएगा इस वीडियो में, हम लोग का जो सीरीज आ रहा है उसमें। और फिर ऐड कैसे रन होता है, मेजर काम वहीं पर कि ऐड हम लोग कैसे रन करेंगे, डे 1 का रिजल्ट क्या होगा, डे 2 का रिजल्ट क्या होगा, मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस कब होता है, ये हम लोग सब कुछ इस 7 दिन में देखने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ आप लोग सीखोगे यहाँ पे और मुझे उम्मीद है कि इस 7 दिन के अंदर में ये लोग भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपना सेट कर पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होगे मैंने ये डिजिटल प्रोडक्ट का ये चैलेंज क्यों रखा है। देखो, एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारा जो सेमसॉल्स कंपनी है, हम लोग यहाँ कोर्सेज भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि जब स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करता है उसके पास प्रोडक्ट नहीं होता है। और एज अ मेंटर जब मैं स्टूडेंट को समझाता हूँ कि भाई एक प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट कैसे बेचोगे, क्या बेचोगे, तो उनके पास जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो वो उस लाइन में सोच ही नहीं पाते हैं। और स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करना कि अपना प्रोडक्ट बना ले, जो बच्चा पढ़ने है वो भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानता ही नहीं तो अपना प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है ये बहुत हेल्प करेगा पूरे सर्कल को समझने में, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसकी फिजिकल डिलीवरी तो होनी नहीं है, ये या तो एक PDF फाइल है या वीडियोस है। और आगे चल के आपको पता चलेगा ये PDF फाइल आपको खुद नहीं क्रिएट करनी है, बहुत लोग बना रहे हैं, उसमें और थोड़ा सा मसाला डालो आपका बन जाता है PDF फाइल।
और उस पीडीएफ फाइल का जब बन गया, यानी एक तरह का आपका प्रोडक्ट बन गया, तो एक जो मेजर थ्रेशोल्ड होता है एक फ्रेशर के पास कि प्रोडक्ट नहीं है, जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है तो आप डिजिटल मार्केटिंग का जो पूरा साइकिल है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। इसीलिए मुझे लगा कि ये डिजिटल प्रोडक्ट चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है अभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, कि उन्हें, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट लोग यहीं फंसते हैं, प्रोडक्ट होता नहीं है तो वेबसाइट के बारे में सोच नहीं पाते हैं और अटक जाते हैं वहीं पर। अगर प्रोडक्ट है तो आप सब कुछ अच्छे से समझ सकते हो, पूरा ऐड रन कर सकते हो, पूरा साइकिल समझ सकते हो। यही कारण है कि हम लोग ये 7 डे चैलेंज लेके आ रहे हैं कि 7 दिन में एज अ फ्रेशर आप कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। और उसके अलावा मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखा दूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे एक स्टूडेंट है जिनकी जो वेबसाइट है अभी 1 महीने पुरानी वेबसाइट है, और इन्होंने इस महीने अराउंड, आप देख सकते हो 2023 में सितंबर 6 से अक्टूबर 5 के बीच में 24,000 के अराउंड सेल किया है। ये 1 मंथ पुरानी वेबसाइट है, इन्होंने अराउंड 43,000 या 44,000 मान सकते हो उसका सेल किया है। 3 महीने पुरानी वेबसाइट है, इन्होंने 216,000 का सेल किया है। और लास्ट मंथ हमारा जो खुद का एक डिजिटल प्रोडक्ट है उसका हमने 4 लाख के अराउंड सेल किया है। तो ये डेटा आपको दिखाने का पर्पस ये है कि ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है और जिसको आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। तो आपको ये एक्साइटिंग लग रहा है तो इस पूरे सीरीज़ को मिस मत करना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो नीचे वीडियो के नीचे हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं लाइव आता हूँ, वहाँ पर लाइव जो भी आपके सवाल होंगे मैं सारे सवाल का आंसर करने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आप हमारा प्रोडक्ट फाइंडिंग के बारे में डिटेल में सीखने वाले हो, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये लोग क्या प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, क्या सोच के क्या प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ रिवील करने वाले हैं आप लोगों के साथ। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हिडन नहीं होने वाला है, सब कुछ आपको बताया जाने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और 7 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करो। थैंक यू।